हे गाइस वेलकम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 3 बेस्ट कैमरा फोन्स बताने वाला हूं अंडर 25,000। बेसिकली दोस्तों 15 से 20 हजार के प्राइस सेगमेंट में टॉप कैमरा फोन्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल दिया, आई कार्ड में मिल जाएगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 3 स्मार्टफोन्स बताऊंगा जिनके अंदर एकदम बेस्ट कैमरा दिया गया है। हालांकि दोस्तों इस सेगमेंट में आपको कई सारे स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं बेस्ट कैमरा को लेकर, बट कैमरा के अलावा आपको कुछ फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 ऐसे स्मार्टफोन्स को सिलेक्ट किया है जहाँ पर कैमरा तो बेस्ट है ही, इसके अलावा आपको बाकी के फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों एक तरह से ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो गाइस अगर आप इंटरेस्ट हो या फिर आप प्लान कर रहे हो 20 से 25 हजार के सेगमेंट में एक कैमरा फोन लेने का, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स बाय करने का, तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। बट गाइस यार प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों पहले स्मार्टफोन की बात करूं जो कि आता है मेरी लिस्ट में वन प्लस का, वन प्लस नॉर्ड CE2 5G। एक्चुअल में दोस्तों इस फोन को ऐड करने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपको ऑक्सीजन OS का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, इसके अलावा बाकी के फीचर्स भी आपको कमाल के देखने को मिलते हैं। ये स्मार्टफोन दोस्तों 6GB प्लस 128GB से स्टार्ट होता है जहां पर आपको रियर साइड में ट्रिपल कैमरास दी गए हैं। प्राइमरी लेंस है 64 मेगापिक्सल का, साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, देन 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। यहां से दोस्तों आप मिनिमम 4K 30fps पर वीडियो भी शूट कर पाओगे। मतलब दोस्तों आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी होगी वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग पंचोल सेल्फी दी गई है जहाँ से आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। मतलब दोस्तों इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है, डे लाइट, लो लाइट और नाइट मोड में काफ़ी अच्छे सेल्फीज और फोटोज निकाल के देता है, बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और ये डिटेल्स को काफ़ी अच्छा मेंटेन करता है, एक्सपोजर इसका काफ़ी कमाल का रहता है। दोस्तों ये पोर्ट्रेट शॉट काफ़ी अच्छे निकालता है, तो नो डाउट ये आपको एकदम बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस फील कराने वाला है इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग, तो कैमरा की क्वालिटी आपको बेस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों मैं बाकी के फीचर्स की बात करूं तो इस फोन में 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विद इनसाइड पंचोल और ये 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी दिया गया है, डिस्प्ले पर कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है, तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो यहां पर आपको डिसेंट मिलेगी इस प्राइस पर। 120Hz का पैनल होता तो आई थिंक ज्यादा बेटर होता, बट फिर भी दोस्तों वन प्लस का डिस्प्ले अच्छा होता है, तो नो डाउट डिस्प्ले की क्वालिटी आपको बेस्ट देखने को मिल जाएगी। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है विद ग्लॉसी फिनिश, इसके अलावा आपको वन प्लस का लोगो देखने को मिल जाता है। इस फोन के अंदर दोस्तों मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 5G चिपसेट यूज किया गया है, 6nm पर बेस्ड है जिससे काफी ज्यादा ये एनर्जी एफिशिएंट है और गेमिंग आप लोग इस प्रेस पॉइंट पर अच्छा खासा कर पाओगे 900 5G चिपसेट के साथ में। डुअल 5G सिम को आप लोग इसमें यूज कर पाओगे। दोस्तों इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो कि ऑक्सीजन OS 11 पर ये बेस्ड है, जल्दी आपको एंड्रॉयड 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। ये LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ आता है जिसमें डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों 4500mAh की बैटरी दी गई है जो कि 65W के सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अच्छी बात है कि बॉक्स में भी चार्जर दिया गया है। बाकी इसमें टाइप सी पोर्ट है, 3.5mm का जैक भी मिल जाता है, बट सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं दिए गए हैं। ये स्मार्टफोन दोस्तों 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। ये बेस वेरिएंट है जिसकी एक्चुअल प्राइस है 23,999। 24,000 रुपये में आप इस फोन को कंसीडर कर पाओगे। अगर दोस्तों आप लोग सेल वगैरह में बाय करोगे तो इसकी जो प्राइस है और भी डाउन हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करूँ जो कि आता है Realme की तरफ से, Realme 9 Pro Plus 5G। इस फोन को दोस्तों ऐड करने का सबसे बड़ा रीजन है इस फोन का कैमरा, क्योंकि दोस्तों इसके कैमरा में आपको कुछ ऐसे फीचर्स ऑफर किए गए हैं जो कि आपको फ्लैगशिप ग्रेड के स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं, बट Realme ने यहाँ पर मिड रेंज सेगमेंट में ऑफर कर दिया। और इतना ही नहीं, इस प्राइस पॉइंट पर यह पहला ही स्मार्टफोन है इन फीचर्स के साथ, इसके अलावा आपको कोई भी स्मार्टफोन नहीं मिलता है जिनमें इतने कैमरा फीचर्स बेहतरीन देखने को मिलते हो इस प्राइस पॉइंट पर।
दोस्तों ये स्मार्टफोन 6GB प्लस 128GB से स्टार्ट होता है। इस फोन के अंदर आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरास दिए हैं, बट प्राइमरी लेंस है 50 मेगापिक्सल का, वो भी सोनी IMX766 लेंस के साथ। और इतना ही नहीं, इसमें आपको OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। ये दोनों इन दोनों का कॉम्बिनेशन दोस्तों इस कैमरा को फ्लैक्सिप ग्रेड का बना देता है, जो कि मिड रेंज सेगमेंट में आपको मिलेगा। तो कैमरा की जो क्वालिटी है वो एकदम कमाल की होने वाली है। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो सोनी का लेंस है, वो भी 766 का, जो कि फ्लैक्सिप ग्रेड के स्मार्टफोन्स में आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो कैमरा की क्वालिटी होगी वो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एकदम कमाल की रहने वाली है। लो लाइट, डे लाइट और नाइट मोड में काफी अच्छा परफॉर्म करता है, डिटेल्स को काफी अच्छा मेंटेन करता है, पोर्ट्रेट शॉट अच्छे निकाल के देता है, और इसकी जो डायनेमिक रेंज है वो भी काफी कमाल की है। तो ओवरऑल दोस्तों इसका जो रियर कैमरा है वो आपको एकदम बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस फील कराने वाला है। बैक साइड से मिनिमम 4K 30fps पर वीडियो शूट कर पाओगे। इसमें सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है, जहां से आप 1080 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसका जो सेल्फी कैमरा है वो ज्यादा कास्ट ठीक नहीं है, बट जो रियर कैमरा है वो काफी अच्छा है। दोस्तों अगर बाकी के फीचर्स की बात करूं तो 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा विद इनसाइड पंचोल। ये भी 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यहां पर भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है, बट जिसमें इनक्लोज्ड हार्ट रेट सेंसर भी मिलता है। मतलब दोस्तों यहां से आप अपने हार्ट को सेंस कर सकते हो। जब जब आप लोग फिंगरप्रिंट से अनलॉक करोगे ना, ये आपके हार्ट को सेंस करने लगेगा कि क्या चल रहा है, जो कि इंटरेस्टिंग फीचर है। और इस प्राइस पॉइंट पर ये पहला ही स्मार्टफोन है इस फीचर के साथ में, तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी दोस्तों डिस्प्ले पर कोइनिंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। दोस्तों इस फोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 5G चिपसेट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस प्राइस पर एकदम तगड़ी गेमिंग कराता है। 6nm प्रोसेसर है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ये पावर एफिशिएंट भी है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जो कि रियलमी UI 3.0 पर ये बेस्ड है। इसमें LPDDR4X रैम है और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। दोस्तों बैक साइड में आपको ग्लास मिलता है विद कोरिनिंग गोरिल्ला ग्लास 5, जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। इसमें कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये चेंज करता है, तो ये काफी कमाल की बात है। दोस्तों यहां पर आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 60W के फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करेगा। बॉक्स में भी चार्जर होने वाला है। इसमें टाइप सी पोर्ट है और 3.5mm का जैक भी दिया गया है। इसके अलावा स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट भी इसमें दिया गया है। ये स्मार्टफोन दोस्तों 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जो कि बेस्ट ब्रांड है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है 24,999। 25,000 रुपये में डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और फाइनली दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi 11i 5G। ये दोस्तों एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। मतलब इस फोन में आपको सभी फीचर्स एकदम जबरदस्त दिए गए हैं। कैमरा तो बेस्ट है ही, बट इसके अलावा जो फीचर्स हैं वो भी कमाल के हैं। ये स्मार्टफोन दोस्तों 6GB प्लस 128GB के साथ आता है। इस फोन में रियर साइड में ट्रिपल कैमरास हैं, प्राइमरी लेंस है 108 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, देन 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। यहाँ से दोस्तों आप 4K 30fps पर वीडियो शूट कर पाओगे। मतलब दोस्तों रियर कैमरा काफ़ी अच्छा है, ये बेहतरीन परफॉर्म करता है, चाहे नाइट मोड हो, चाहे डे लाइट कंडीशन हो, या फिर लो लाइट कंडीशन में। आपको जो फोटोज इमेजेस सेल्फीज क्वालिटी होती है ना, वो एकदम बेस्ट देखने को मिलती है। तो नो डाउट ये आपको एकदम बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस फील कराने वाला है। सेल्फी के लिए दोस्तों यहाँ पर भी वही अगेन 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेंटर पंचोल सेल्फी दी गई है, जहाँ से आप 1080 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। तो अच्छा कैमरा इसके अंदर ऑफर किया गया है। बाकी के फीचर्स की बात करूं तो 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि सेंटर पंचोल के साथ आता है। 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। मतलब 120Hz विद सुपर एमोलेड दोनों का कॉम्बिनेशन इस फोन में मिल जाता है। और डिस्प्ले पर कोइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। बैक साइड में ग्लास ऑफर किया गया है विद कोइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा रेडमी की ब्रांडिंग दी गई है। इसका जो डिजाइन है काफी अच्छा है, बॉक्सी टाइप का डिजाइन मिलता है। बैक और फ्रंट के एजेस फ्लैट है, एप्पल की कॉपी की है।
दोस्तों इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 920 5G चिपसेट मिलता है, जो कि ऑफिशियली 9 Pro Plus में भी दिया गया है। और ये दोस्तों 6nm प्रोसेसर है, काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, गेमिंग तगड़ी कराता है नो डाउट। दोस्तों इसमें Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो कि MIUI 13 पर ये बेस्ड है। जल्दी आपको Android 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसमें LPDDR4X रैम है और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। इसमें 5160mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 67W के सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला है, चार्जर बॉक्स में है। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं। यह स्मार्टफोन दोस्तों 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, बेस ब्रांड है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है वही 24,999, 25,000 रुपये में कंसीडर कर पाओगे। तो गाइस ये थे टॉप 3 बेस्ट कैमरा फोन्स, जो कि आपको 25 से नीचे के प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाएंगे। आई होप आप डिसाइड कर पाओगे यहाँ से कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा परफेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।